मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने दूल्हा तो बना दिया मगर दामाद नहीं बनने देगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व विधानसभा प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कंधई राम लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज और महाराज पर जमकर हमला बोला। सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, इतनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया और मुझे बल और शक्ति दी। ज्यादा संपर्क आपसे जिले का नहीं है कि कोई, ये तो महाराजाओं की भूमि थी, महाराजाओं की भूमि थी, तो ज्यादा संपर्क आप सबसे नहीं रहा। पर अभी मैं साधना भारती को सुन रहा था। साधना भारती कह रही थी कि टाइगर जिंदा है। किसी ने कहा था, जानते किसने कहा था? उन्होंने कहा टाइगर शर्मिंदा है। मैं बता दूं, आज सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी ने दूल्हा तो उन्हें बना लिया पर दामाद भी बनाएंगे, ये याद रखिएगा।